ये हमारा आउटडोर यूनिट है इन्वर्टर एसी का। यहाँ पे हम जो कोर्सेज कराते हैं वो इन्वर्टर एसी के होते हैं, और हमारा नॉन इन्वर्टर एसी होता है स्प्लिट एसी, और स्प्लिट एसी इन्वर्टर एसी। विंडो एसी का भी यहाँ पे हम कोर्स कराते हैं, उसका रिपेयरिंग का पूरा प्रोसेस कराते हैं। जैसे एक पीसीबी हमारे पास है, उसके कनेक्शन किस तरीके के होते हैं तो हम उस कनेक्शन के बारे में बताएंगे, और कहाँ पे क्या चीज़ सेट करना है या कहाँ पे कितने वोल्टेज आते हैं तो उसके बारे में भी बताते हैं आपको। ठीक है, ये हमारी इन्वर्टर एसी की आउटडोर यूनिट की पीसीबी है। इसको रिपेयरिंग करने का प्रोसेस भी रिपेयरिंग भी कराते हैं इसके बारे में। इसके जो पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनको भी रिपेयरिंग करना सिखाते हैं। जैसे कैपेसिटर है, इसको कैसे चेंज करना है, ये कैपेसिटर है इसको रिपेयर इसको चेंज करने के लिए हम क्या क्या करना चाहिए, इसको कैसे चेक करेंगे, या हमारा ये कॉयल हो गया इसको चेक करना ख़राब है सही है या शॉर्ट हो गया, इसको चेक करने का प्रोसेस बताते हैं। और ये हमारा मोटर है आउटडोर यूनिट का, BLDC मोटर है, इसको चेक करने का प्रोसेस हम कैसे चेक करेंगे कि कहाँ पे कितने वोल्टेज चाहिए, या नहीं वर्किंग कर रहा है तो हमें क्या चेक करना चाहिए। और ऐसे ही कंप्रेसर का भी है कि कंप्रेसर में हमें देखना होता है कि कंटिन्यूटी बता रहा है नहीं बता रहा है, या सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको चेक करके बताते हैं। और ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व होता है, इसको चेक करने का प्रोसेस होता है कि यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, ये ब्लॉकेज है कि नहीं ब्लॉकेज है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका काम क्या, ये क्या काम करता है, उसके बारे में बताते हैं। ये हमारा जो इन्वर्टर एसी हॉट एंड कूल है, इसमें हॉट एंड कूल का पिस्टन वॉल्व भी दिया हुआ है, उसका भी हॉट एंड कूल का काम होता है। ये गर्म हवा भी फेंकता है और ठंडा ठंडा भी करता है, दोनों ही काम करता है। ठीक है, इसमें सेंसर जो हमारे होते हैं वो तीन सेंसर होते हैं, एक हमारा डिस्चार्ज सेंसर होता है, एक कॉइल सेंसर होता है, और एक हमारा बाहर एम्बिएंट रूम सेंसर होता है। तो ये उसके अकॉर्डिंग सेंस करता है, जहाँ पे हमें जितना प्रेशर चाहिए होता है तो ये बताता है कि सेंस करके पीसीबी को कमांड देता है, और उसके अकॉर्डिंग एसी सेंस करके हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ऐसे ये इंडोर यूनिट की पीसीबी, उसकी डिस्प्ले, और ये हमारा कॉइल सेंसर। ठीक है, ये कॉइल सेंसर होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं। चेक करने का प्रोसेस होता है कि हम किलो ओम्स पे चेक करेंगे, रीडिंग शो करेगा, रीडिंग शो करेगा तो हम इसको डिक्लेयर करेंगे ये सही है या ख़राब है, तो ये भी चेक कर सकते हैं। ऐसे स्विंग मोटर होता है, उसको चेक करने का प्रोसेस होते हैं। तो ये यहाँ पे जो हम कोर्सेज कराते हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हम बताते हैं कि ये कैसे चेक करना है, पीसीबी को रिपेयर करना है या नहीं रिपेयर करना। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो रिपेयर हो जाते हैं, और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, जो रिपेयरेबल नहीं होते, तो यहाँ पे हम उस तरीके से रिपेयरिंग कराते हैं। इसके कनेक्शन के बारे में बताते हैं कि कहाँ पे कितने वोल्टेज आना चाहिए, या वोल्टेज सही नहीं आ रहे हैं तो हम कैसे चेक करेंगे। अर्थ शॉर्टिंग है तो वो भी, अर्थिंग जो शॉर्ट है या अर्थ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी बताएंगे। और लाइन न्यूट्रल, एक सिग्नल वायर है उसका भी बताते हैं कहाँ पे कितना वोल्टेज। और ये हमारा ब्लोअर मोटर होता है, ब्लोअर मोटर में पांच पांच वायर होते हैं, तो इसके लिए हम ये भी बताते हैं कि ये पांच वायर BLDC मोटर है, कैसे चेक करेंगे, क्या करना है इसमें, वोल्टेज पे चेक करना है या नहीं वोल्टेज पे चेक करना है, ऐसे भी चेक करना है कि, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। बाकी और सारी जानकारी के लिए ABC इंस्टीट्यूट पर आके विजिट करें, और उसके में सारी जानकारी आप दे। अच्छा, ABC मोबाइल इंस्टीट्यूट जो आपका है, यहाँ पे कैसे कोर्स आप टोटली प्रैक्टिकल कराते हैं, विंडोर एसी, स्प्लिट एसी, इन्वर्टर एसी सारे आप करवाते हैं? हाँ, यहाँ पे सारे एसी कराते हैं, हमारा 80% प्रैक्टिकल होता है, 20% थ्योरी होता है। तो हम सारे पार्टों को नॉलेज देते हैं, थ्योरी से हम बताते हैं कि हमें कैसे क्या चेक करना है। एक मोटर है उसको थ्योरिकल बताते हैं कि कहाँ पे कितने वोल्टेज, वो भी चेक करने का, और प्रैक्टिकल फिर करके बताते हैं कि आपको कैसे, अगर कस्टमर यहाँ पे जाते हो, अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है तो आप इसको कैसे चेक करोगे, वो भी प्रोसेस बताते हैं। ठीक है, ऐसे कोई कॉयल ख़राब हो जाता है तो वो भी सेम होता है, पहले तो प्रैक्टिकल के थ्रू इसको चेक करते हैं और बताते हैं। अच्छा, आपका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है सर? ये हमारा इंस्टीट्यूट लक्ष्मी नगर में है, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास में, B3S मॉल के अपोजिट साइड में। ठीक है, वहाँ पे आप गैस डालना भी सब कुछ बताते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, गैस चार्जिंग का प्रोसेस भी हम कराते हैं, वो पहले उसके बारे में बताते हैं कि गैस चार्जिंग हमें कैसे करनी है, तो उसका भी हमारे पास सारे यहाँ पे टूल्स हैं गैस चार्जिंग का भी प्रोसेस यहाँ पे हम ज़्यादा कराते हैं, क्योंकि गैस चार्जिंग
कंपनी की तरफ से अगर कहीं कॉल पे जाते हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है, या कस्टमर एंड पे आपको गैस चार्ज करना है तो कैसे करना है, कस्टमर को संतुष्टि मिल रही या नहीं मिल रही, तो उसके अकॉर्डिंग हम गैस चार्जिंग का यहाँ पे प्रैक्टिकल कराते हैं। प्रैक्टिकल आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मेरे पास टूल हैं, आप देख भी सकते हो कि कोई भी चीज़ रिपेयर करने के लिए हम लोग केनेन और हमारे पास है पेचकस गेज, मैनिफोल्ड गेज होता है, एम्पियर मीटर होता है, यानी सारे पार्ट्स आपके पास। हाँ, सारे टोटल पार्ट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम गैस चार्जिंग का प्रोसेस कराते रहेंगे। सारे पार्ट्स, हाँ ये हमारे पार्ट हैं, ये पीसीबी पैनल हैं, अदर अदर कंपनियों के हैं, तो सारे कंपनियों के हम यहाँ पे मदरबोर्ड और पीसीबी बोर्ड को रिपेयरिंग करना भी सिखाते हैं। तो